आर्कएंजल्स दिखाई देते हैं, उन्हें आप फील कर सकते हैं, आर्कएंजल्स को आप देख सकते हैं। देखने से पहले आपको फील करना होगा। अगर आपने फील करना सीख लिया, विजुलाइज करना सीख लिया, उन्हें समझना सीख लिया, महसूस करना सीख लिया, तो वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि आपके थर्ड आई में, आपके माइंड में अनलिमिटेड पावर है। जब थर्ड आई ओपन होती है, थर्ड आई में जो विजुलाइजेशन पावर है, पिनियल ग्लैंड है, उसके अंदर स्कैनिंग पावर है, उसके अंदर इंट्यूशन पावर है, उनके उसके अंदर विजुलाइजेशन पावर है, वो सारी शक्तियाँ आपके भीतर हैं। उन शक्तियों के दम पर आप आर्क एंजल्स को इनर वर्ल्ड में आराम से देख सकते हैं। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के अंदर क्या है, ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, बोन्स हैं, लीवर है, दूसरे और पार्ट्स हैं अनलिमिटेड। क्या आप उन्हें देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। आपके आपको सिर्फ ये जानकारी है कि लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, बोन्स हैं, मांसपेशियां, अंदर के ढेर सारे अनलिमिटेड ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स के बारे में सिर्फ आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो क्या आपको यकीन नहीं होता कि आपके भीतर ये सारे पार्ट्स हैं? यकीन होता है। क्या आप ये कह सकते हैं कि आपके शरीर के भीतर हार्ट नहीं है, या लंग्स नहीं है, या किडनी नहीं है? या आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। आपको बताया गया कि ये सब हैं, या आपको बुक में पढ़ाया गया बचपन से, या आपने कहीं वीडियो में देख लिया और किसी ने कहा और आपने पढ़ लिया, या नहीं पढ़ा तो आपने सुन लिया, ये होता है। तो उस वक्त क्या आप डाउट करते हैं अपने ऑर्गन्स के ऊपर, जो अंदर है, बॉडी के अंदर है, जो शरीर दिखाई दे रहा है, हाथ, उंगलियां, चेहरे, नाक, कान सब दिखाई दे रहे हैं, तो आप उस पर बिलीव कर रहे हैं कि आपके पास नाक है, कान है, आंखें हैं, बाल है, सिर है, उंगलियां हैं, पेट, शरीर, पैर, लेग, ये सब है, कंधे हैं, ये सब है, स्किन है, गोरा, काला, सांवला, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहते हैं कि ये सब है। अगर कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है तो क्या आप उसे कह देंगे कि ये नहीं है? ऐसा नहीं है। जिस मकान में आप रहते हैं, उस मकान की दीवारें और छत तो आपको दिखाई देती हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं ये है। उसकी मकान की नींव नहीं दिखाई देती है, उस नींव के अंदर कितने ईंटे हैं वो नहीं दिखाई देती है, तो क्या आप ये कहते हैं कि नींव है ही नहीं? ऐसा तो नहीं है। आप कहते हैं कि नींव है। विजुलाइजेशन प्रोसेस में आप देखते हैं कि नींव है, आप महसूस करते हैं, आप जानते और मानते और समझते, एक्सेप्ट करते हैं कि नींव है, पेड़ की जड़ है, तभी तो पेड़ ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आम का फल है, या तो ये आम का पेड़ है, अमरूद के पेड़ के ऊपर आम का फल तो नहीं उग जाता है। उसी तरह से इनर वर्ल्ड में आर्क एंजल्स हैं, इनकी अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड दुनिया है। आप उन्हें फील कीजिए, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, आप उन्हें समझिए, आप उन्हें मानिए, उन पर डाउट मत कीजिए, उन पर शक मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, ये है। अगर आप ये मानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, तो आप अगर ये स्वीकारती हैं कि ये है, उसके दम पर आप चल रहे हैं, जिंदा हैं, बोल रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, और आपकी जिंदगी चल रही है। अगर धड़कन रुक जाए तो क्या होगा? आपकी जिंदगी खत्म वहीं पर। तो आप ये मानते हैं कि है, ऐसा ही है। जब आप ये मान सकते हैं तो आपको ये मानने में क्यों दिक्कत होती है कि पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं मुझे एंजल्स दिखाई देंगे नहीं देंगे, पता नहीं मैं एंजल्स से बातें कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप बातें कर पाएंगे। आप पहले एक्सेप्ट तो कीजिए, आप पहले ये मान लीजिए कि उनका अस्तित्व है, आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, मानना अलग है, जानना अलग है, समझना अलग है, और उसके बारे में बताना अलग है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना सबसे अलग है। एक्सेप्ट अगर आप करते हैं तो आप ये समझते हैं कि मुझे मालूम है कि आर्कएंजल्स हैं, इनर वर्ल्ड में ये अनलिमिटेड पावर्स हैं,
जिनके कनेक्शन से, जिनसे मैं कनेक्शन जोड़ता हूँ, जिनसे मैं एक रिश्ता जोड़ता हूँ, एक विश्वास का रिश्ता जोड़ता हूँ, साइनिंग प्रोसेस कराता हूँ, उसकी ट्रेनिंग लेता हूँ, उसके मेथड सीखता हूँ, तो मुझे इनर वर्ल्ड की अनलिमिटेड आर्क एंजल्स की पावर हेल्प करने वाली है और उनकी हेल्प से मैं अपनी हर विश को पूरी कर लूंगा। मतलब कि जो मेरी इस फिजिकल लाइफ में, इस दुनिया में, इस मेटलाइजेशन में, इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस जो हमारी, हमने जो जीवन लिया है, जो हमारी जिंदगी है, इस जिंदगी में हमारे ख्वाब होते हैं, हमारी विश होती हैं, हमारी जरूरतें होती हैं, उनको पूरी करने के लिए मुझे इनर वर्ल्ड की इन अनलिमिटेड पावर से यानी आर्क एंजल से एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। रिश्ता जोड़ने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, घर बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, यहाँ सेंटर पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, दुनिया में कहीं भी और आर्क एंजल्स को ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनिंग ट्रेनर बैठे हुए हैं, उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, शाइन करा सकते हैं, कनेक्शन करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं और उनको इस्तेमाल करने का तरीका जान सकते हैं, मेथड जान सकते हैं, वो टेक्निक्स, वो मेथड सिखाए जाते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिशियन को ट्रेनिंग देकर सिखाया जाता है कि कौन सा तार कहाँ जोड़ना है, कौन सा बल्ब कहाँ जोड़ना है, कौन सा नेगेटिव हो कौन सा पॉजिटिव, उसकी ट्रेनिंग लेता है, तभी इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर के अंदर वायरिंग करता है, जोड़ता है, बल्ब अगर कहीं से डिसकनेक्ट हो गया तो उसको कनेक्ट करता है, उसको पता होता है, ट्रेनिंग लिया होता है। उसी तरह से आर्क एंजल्स को अपनी लाइफ में यूज करने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग दोनों तरीके से होती है, आप सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या घर बैठे ऑनलाइन फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कमेंट्री के माध्यम से, बुक के माध्यम से, फोन पर बात करके माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप ट्रेनिंग घर बैठे ले सकते हैं और वही इस्तेमाल होगा। ऑनलाइन इनर वर्ल्ड में आपसे शाइनिंग कर दिया जाता है उन 15 आर्क एंजल्स को, और 15 आर्क एंजल्स के तरीके क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, किस प्रॉब्लम में किस एंजल को यूज करना है, किस कलर को यूज करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर आप प्रैक्टिस करिए, इस्तेमाल करिए, इन्वोक करिए, कॉल करिए, रिक्वेस्ट लगाइए, आपकी विश पूरी होगी, हर विश पूरी होगी, चाहे वो किसी भी तरह की विश होगी। तो आप विश्वास कीजिए, आर्क एंजल दिखाई देते हैं, आर्क एंजल होते हैं, आर्क एंजल आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं, बस आप उनको यूज करने का तरीका सीखिए, फिर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगी, एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरी प्लेस। थैंक यू।